बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ क्लास ऑफ 2020। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 3। सब्जेक्ट है आप लोग का बेटा मैथ्स, और आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज़ व्हाट वी हैव लर्नड। हमने अभी तक क्या सीखा है, अभी हम दोबारा इसकी रिविजन कर रहे हैं, दोबारा इसको पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ए है, बुक में भी ए है। स्टार्ट का क्वेश्चन है, राइट इन वर्ड्स। आपको क्वेश्चन दिए हैं 8, 9, 4, 5 फिगर्स में दिए हैं, आपने इसको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है बेटा, ये तो आप लोग को पता है, आप लोग को आ भी रहा है और आप लोग पहले समझ भी चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 8, 9, 4, 5। 8,945। नंबर सेकेंड क्वेश्चन है 2, 9, 7, 9, 7। 9,797। नंबर 3, 9,085। 9,085। द 4, 5 इज रिमेनिंग। ये मैंने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं बेटा, ये आप लोग का होमवर्क है, लेकिन आई वॉन्ट टू डिस्कस इट विद यू। तो 4,322 मतलब 4,322 है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 4,322। क्वेश्चन नंबर 5 है 7,879 मींस 7,879। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट द करेक्ट डिजिट इन ईच स्क्वायर। स्क्वायर में डिजिट लिखने हैं, ठीक है, कि यूनिट्स पे क्या है, 10 पे किया है, 100 पे किया, 1000 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2,065, तो 5 यूनिट्स पे, 6, 10, 0, 100 पे और 2000 पे। तो 7, 8 जो है वो मैंने आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ दिया है, लेकिन आई वॉन्ट टू डिस्कस इट विद यू। तो 6 जो है वो यूनिट पे है, 3, 10 पे, 100 पे एंड 4 इज फॉर 1000। इसी तरह 6 यूनिट, 5, 10, 400 एंड 7 इज फॉर 1000। ठीक है बेटा, सी क्वेश्चन है राइट एन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, जिस तरह 1, 2, 3, 4 ये असेंडिंग ऑर्डर में है। हमारे पास 9 क्वेश्चन बुक में दिया है, 3,477, 3,652, 2,841 एंड 3,086, दैट इक्वल टू। अब मैं स्मॉलेस्ट को पहले लिखूंगी, तो सब में जो है स्मॉलर वन कौन है, स्मॉलेस्ट 2,841 है, फिर इसके बाद जो स्मॉलेस्ट है वो है 3,086, फिर जो है स्मॉल जो है वो मेरे पास है 3,477, और फिर जो है स्मॉलेस्ट वन जो है वो 3,652 है। 10 क्वेश्चन है 4,087, 4,092, 4,085, 4,096, तो इसमें स्मॉल जो है वो है, जो स्मॉलेस्ट है वो है 4,085, और फिर जो है स्मॉलर है 4,087, फिर जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है 4,092, और इससे फिर बड़ा है 4,096। हम लोअर से बिगर की तरफ जाते हैं, मतलब लोअर टू हायर, स्मॉलर टू बिगर, ठीक है। तो 4,096 इज द बिगर वन एंड 3,652 इज द बिगर वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मैंने लेफ्ट छोड़ दिया है इस तरह ब्लैंक, ये आप लोग का होमवर्क है, लेकिन आई वांट टू डिस्कस इट विद यू। तो आपका सवाल है 3909, 3906, 7909, 7906, 7901 एंड 7908। तो आप स्टार्ट करें, 7901 इज द स्मॉलेस्ट वन, देन 7906, देन 7908 एंड लास्ट वन इज 7909। क्वेश्चन नंबर डी इज आंसर ईच क्वेश्चन। 12 नंबर का है, हाउ मेनी यूनिट्स मेक अ 10, का जवाब 10 आता है। 13 जो है मतलब है कितने यूनिट्स जो है मिला के वो 10 बनाते हैं। हाउ मेनी टेन्स मेक अ 100, तो कितने टेन्स मिला के 100 बनाते हैं, वो भी 10 है। हाउ मेनी 100 मेक अ 1000, कितने हंड्रेड्स को मिला के आप 1000 बनाओगे, वो भी 10 है। हाउ मेनी यूनिट्स मेक अ 100, कितने यूनिट्स बना के आप 100 बनाओगे, वो भी 10 है। एंड जो है हाउ मेनी टेन्स मेक अ 1000, 100, एंड हाउ मेनी यूनिट्स मेक अ 1000, तो वो भी 100 है। राइट इज न्यूमरल, अब इसको हेंसो में लिखना है। 18 क्वेश्चन है 999, 999, 999 लेके,
19 क्वेश्चन है 2607 2607 20 क्वेश्चन है 9269 लिखा है 21 7201। तो ये मैंने लिफ्ट छोड़ दिया है होमवर्क के लिए, आप लोग खुद लिखोगे लेकिन मैं बता देती हूँ 7201। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर इफ इज फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 9547। 9547 में 5 प्लेस वैल्यू जो है 500 है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 7825 तो 7000 है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 3423 3423 में 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है, एक यूनिट पे है और एक थाउजेंड पे है, तो आप लिखोगे 3003। यूनिट नहीं लिखोगे कि 3003 यूनिट, तो लिखो 3003। 25 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2s and 2025। 2 जो है वो 1000 पे है तो 2000 लिखे, और फिर जो है आपका है 2 जो है वो 10 पे है, तो आपके पास आंसर आएगा 1980। मतलब है 2000 से 20 माइनस करोगे क्योंकि 2 जो है 1000 पे है और 2 जो है वो 10 पे है, 2000 से 20 को माइनस करो तो आपके पास आएगा 1980। अब क्वेश्चन है एडिशन का, जी नंबर का 26 क्वेश्चन है 4987 प्लस 2635 प्लस 2479 प्लस करो 9 प्लस 7 या 9 प्लस 5 करो 14, 14 प्लस 7 इज 21, 1 मैंने लिख दिया 2 कैरी किया तो 8 प्लस 2 10, 10 plus 3 is equal to 13, 13 plus 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 में 0 लिखोगे क्योंकि यूनिट लिखेंगे और 2 जो है 10 वाला जो 2 है वो कैरी करेंगे, तो 2 मैंने कैरी कर दिया। Now 8, 9 plus 2 is equal to 11, 11 plus 6 is equal to 17 and 17 plus 4 is equal to 21, 18, 19, 20, 21. तो 1 मैंने लिख दिया, 2 कैरी किया। अब पे रेट करो 4 plus 2 is equal to 6, 6 plus 2 is 8 and 8 plus 2 is 10. आपके पास आंसर आ गया 10101। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने होमवर्क छोड़ दिया है बेटा, वो आप लोग खुद लिखोगे। प्लीज ट्राई टू मेंटेन योर नीट कॉपी। अब क्वेश्चन नंबर आई है मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 1246 मल्टीप्लाई 8, तो 8648, 8 मैंने लिख दिया 4 कैरी किया, 8432 plus 4 is equal to 36, जो कैरी करते हैं उसको प्लस 8 करते हैं, ठीक है प्लस करते हैं उसके साथ, 8432 plus 4 is 36, 6 लिख लिया और 3 कैरी किया, 8216 16 plus 3 is 17 18 19 19 9 लिख दिया, 1 कैरी किया एंड 8 multiplied by 1 is 8 plus 1 is equal to 9, तो आपके पास आंसर आ गया है 9968। अब आपके 31 क्वेश्चन है 566 मल्टीप्लाई 17, पहले आप 7 को सबसे मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को, फिर पहले 7 को करते 7 6 are 42, 2 लिख दिया 4 को कैरी किया है, 7 6 42 42 plus 4 is 43 44 45 and 46 4 जो है वो कैरी किया है, 6 जो है लिख दिया है, 7 5 35 plus 4 is equal to 39। अब 0 लगाओगे, अब 1 6 1 multiply by 6 is 6 1 multiply by 6 is 6 and 1 multiply by 5 is 5, 8 करो, 2 plus 0 is equal to 0 2 6 plus 6 is equal to 12, 2 लिखो 1 carry किया तो 9 plus 1 10 10 plus 6 is 16, 1 carry किया, 5 plus 3 is 8 and plus 1 is equal to 9, आंसर आ गया है 9622। अब जे क्वेश्चन है डिवाइड, आप इसकी डिवीजन करें, 32 क्वेश्चन है 4722 divided by 3 is equal to 1574। अब प्रॉपर जो है वो एरो वो सिंबल्स जो है वो मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकती थी, आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स प्लीज बच्चों को वो डिवीजन का जो साइन है वो प्लीज सिखा दें, प्रैक्टिस कर दें, जैसे स्कूल खुलते हैं हम डिवीजन जो है सिखा देंगे, तरीका बता देंगे, जबकि तुम्हें पढ़ा भी है लेकिन मैं यहाँ पर स्लाइड में नहीं कर सकती, लेकिन ऑनलाइन बोर्ड इस्तेमाल करके ये डिवीजन का जो क्वेश्चन है ये मैं फिर इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। कीप वॉचिंग फौजी फाउंडेशन स्कूल करक ऑन यूट्यूब चैनल प्लीज। ओके क्वेश्चन नंबर के इज
राइट द टाइम बिलो ईच क्लॉक, हर क्लॉक के नीचे अपना टाइम लिखे. हियर इज द टाइम 9:30, टाइम इज 12 o'clock एंड 6 o'clock. दिस इज होमवर्क टास्क, ड्रा दिस पिक्चर एंड राइट द टाइम ऑफ ईच क्लॉक. ये अपने कॉपीज में ड्रा भी करने हैं या आपके बुक में भी है, और फिर इसके टाइमिंग्स भी लिखने हैं. ठीक है बेटा, ओके. फिर प्रैक्टिस करते हैं. 10:30 है इसमें टाइम, और नीचे वाले में जो है 3:45 है, यहाँ पे टाइम है 7:15. अच्छा, राइट टाइम ऑफ ईच क्लॉक. इन सब क्लॉक्स को इसी तरह नीडल और हैंड्स के साथ नीट कॉपी में ड्रा करके इसके टाइमिंग्स लिखने हैं. ठीक है बेटा. आई लव मे, आई विश यू ऑल द बेस्ट माई डियर किड्स. दिस इज द एंड, बट आई एडवाइज स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच बेटा. अल्लाह हाफिज़.